नाजरीन आपका क्या हाल है। मैं आपका मेजबान राजा इमरान सफदर। मेरी खुशकिस्मती है और खुशबख्ती है इस वक्त हम गवर्नमेंट जो ग्रेजुएट कॉलेज शीशा वतनी के एक बहुत ही मायानास टीचर और जो असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के हैं डॉक्टर शाहिद रिजवान, उनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। हम उनकी ज़िंदगी के मतलब उससे पूछेंगे। इससे पहले कि हम इस अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, हम दाव देवरी का बहुत ही मशहूर शेर आपसे शेयर करता हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या 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 हाल? बिल्कुल ठीक जनाब सर। आप हमें अपनी जिंदगी के मतलब जो खासकर अपने इब्तदाई दिनों के मतलब कुछ बताएं। शुक्रिया। मेरा बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है वो 36 चौड़ायल गांव है, तहसील शीशा वतनी का दूर अफ्तादा एक गाँव है। वहीं मैं 15 फरवरी 1975 को पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम जो है मेरी प्राइमरी सतह की वो अपने गांव से, और उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है 82 वारैल से वो किया। उसके बाद मैंने एफए और ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुनू से, और उसके बाद एमए जो है और एमफिल और पीएचडी ये मेरी ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। तो एमफिल का जो मेरा तहकीकी मकाला था वो था उर्दू अफसाने के कमसिन किरदार छोटे बच्चों के हवाले से। तो बच्चों को वो मतलब ये है कि तारीखी तहजीबी पस मंज़र में और मुख्तलफ तहजीबों में जो कुछ बच्चों के साथ रवैया या सलूक किया जाता रहा उसके हवाले से तहकीक की गई, और जैसे कम उम्री में बच्चियों की शादियां करना या फिर कुछ देवता और देवताओं के लिए बच्चों को ज़िबा किया जाता था उनकी खुशनुदी के लिए, या इमारतों की वो मतलब बेहतरी के लिए इस्तेहकाम के लिए बच्चों का जो ताज़ा लहू है छोटी उम्र के बच्चों का, तो वो बुनियादों में डाला जाता था उस हवाले से। और पीएचडी का मेरा जो मकाला था थीसिस था वो था उर्दू अदब में रेल की इस्तियाराती जिल्दें, कि रेलगाड़ी जब से हिंदुस्तान में चली है तो ना सिर्फ इसने सवारी के लिए माल बर्दारी के लिए और फौजी असले की तरसील के लिए नकल हमल के लिए सहूलत वहाँ पहुँचाई, बल्कि इसने पूरी तहजीब को भी बहुत मुतासर किया, बल्कि रेल की पटरी के साथ एक नई तहजीब जो है वो आज भी हमें आबाद नज़र आती है। तो क्या है कि जितना भी अदब, और ज़ाहिर है नई चीज़ों से सबसे पहले शायर अदीब जो हैं ये लोग मुतासर होते हैं, और यकीनन अपनी शायरी के अंदर वो इस्तियारे के तौर पर, तशबीहात के तौर पर, इस्तिलाहों के तौर पर वो नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं। तो जैसे ही रेलगाड़ी का चलन हुआ हिंदुस्तान में बरेसगीर में, तो इब्तदाई तौर पर एक आध दास्तान में, फिर मिर्ज़ा गालिब के खतूत में, और जैसे अकबर अलाबादी की शायरी में कमोबेश उनके कोई 100 अशार ऐसे हैं जिनके अंदर वो रेल के हवाले से जिक्र है, और इसी तरह वो मतलब यह है कि दीगर शोरा और ख़ास तौर पर 20वीं सदी के जो शोरा कराम हैं उनके यहाँ शायरी में और बिलखसूस अफसाने और नावल में बहुत ज़्यादा रेल का जिक्र है। ये रेलगाड़ी कहीं हमें सिर्फ सफ़र करती हुई नज़र आती है, कहीं ये बतौर किरदार के नज़र आती है। जैसे 1947 के फसादात और वो तकसीम के वक्त जो आबादी की उखाड़ पछाड़ हुई, तो उस हवाले से कृष्ण चंद्र का अफसाना जो है पेशावर एक्सप्रेस बड़ी खासियत की चीज़ है, और वो आदमी के तौर पर यानी बतौर किरदार की रेलगाड़ी जो है वो गुफ्तगू करती है। तो ये और मुख्तलफ मतलब रेल के हवाले से उसके इवन के इंजन के इजाद के हवाले से उसमें बहस की गई है, और इंसान की इब्तदाई ज़माने का जो सफ़र है उसका तरीका जो है कि इंसान किस अंदाज में सफ़र किया करता था पैदल या फिर घोड़े के ऊपर या दीगर वो मतलब जानवरों के ऊपर, या कश्ती भी एक ज़माने में गुजरिया थी, तो ये उसकी बेस है, उसकी बुनियाद है
जो इंसान ने मुख्तलिफ अदवार में तदरीजन वो मतलब जो है कि इस सफ़र को नई से नई शक्ल देता रहा और अपने लिए सहूलतें पैदा करता रहा, तो उस हवाले से उसको बेस बनाकर वो सबसे दूसरा सवाल है आपकी माशाल्लाह 8 किताबें तकरीबन बाजार में आ चुकी हैं, तो उनके मौजूआत क्या है? मेरी 2001 में शेरी मजमूआ शाया हुआ था शौके नातवाम के नाम से, तो वो उसमें गज़लें हैं, शायरी है, जैसे वो एक नौजवान के जज्बात होते हैं, इब्तदाई उम्र की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद 2010 में मेरा अफसानी मजमूआ शाया हुआ था पत्थर की औरत के नाम से, उसमें कहानियां हैं मुआशरती लिहाज से, तो राह रवी जो है और जिनसी नासूदगियाँ और ये जुल्म व सितम जो है और जो ये सियासत के नाम पर नासूर जो हमारे माशरे को ये चाट रहा है और इखलाकी इकदार की तोड़ फोड़ जो है वो बुनियादी तौर पर मेरे मौजूआत हैं। और दूसरा अफसानी मजमूआ जो है वो 2013 में पहला आदमी के नाम से आया, और तीसरा अफसानी मजमूआ जो है वो आवाज़ें के नाम से 2015 में शाया हुआ, और चौथा अफसानी मजमूआ जो है वो अधूरी कहानी की तस्वीर के नाम से 2020 में मंजरे आम पर आया। और इसी तरह नावल गंजीवार जो है वो 2 दफ़ा शाह पजीर हुआ, तीसरी दफ़ा जो है वो नागपुर इंडिया से लखनऊ से वो तीसरी दफ़ा शाया हो रहा है। और उसके बाद एक किताब मेरी है एक हरफ के जीम कहें जिसे, वो इंशाइये हैं, और उन इंशाइयों के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि उसमें भी हमारी पंजाब की जो रहतल रहतल है, सकाफत है, जिसे हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है, जैसे वो बीन है, बांसुरी है, तुम्बा है, और क्या कहते हैं चरखा है, हुक्का है, इस तरह की चीज़ों के गुलेल हुआ करती थी एक ज़माने में, इन चीज़ों के हवाले से वो इंशाई तहरीर की हैं कि ये हमारी मिटती हुई जो सकाफत है तो इसको उजागर किया जाए, हमारी नई नस्ल जो है, आने वाले बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल भी वो जानते ही नहीं हैं कि वो मतलब ये चीज़ें भी कभी हुआ करती थी। और हमें तो दुख होता है कि आने वाले मज़ीद 10, 20 या 50 वर्षों के बाद बिल्कुल ही वो मतलब ये है कि लोगों को पता ही नहीं होगा अपनी सकाफत के हवाले से। और हम ख़ास तौर पर जो पंजाबी हैं इस लिहाज से बड़े आप कह लें कि सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगों के निकम्मे हैं कि अपनी किसी भी चीज़ को संभालते नहीं हैं। मुल्तानियों के पास जाएं, सिंध में जाएं, अजरक का आपको टोपी का और दूसरी तहजीबों में चले जाएं, अपनी ज़ुबान पे फख्र करेंगे, नाज करेंगे, लेकिन हम पंजाबियों को पता नहीं ऐसा क्या है कि हर दूसरे की हमलावर की दरअंदाज की जो सकाफत है उससे वो मतलब ना अपना ओढ़ना बिछोना बनाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अपनी जो माँ बोली है उससे पता नहीं क्यों बेजार हैं। हमारी माएँ अब बच्चों को पंजाबी नहीं बोलने देती, हम बाहर अगर पंजाबी बोलते हैं तो लिखनी फिर हमें नहीं आती, तो बिल्कुल भी अपनी ज़ुबान से, अपनी पगड़ी से, अपने कल्चर से बिल्कुल कटे हुए हैं, जो कि किसी भी कौम की तबाही का बायस होता है, जो जिस आदमी की जिस कौम की जड़ें वो अपनी मट्टी के साथ ना जुड़ी हो वो तबाह हो जाती है। सर तीसरा सवाल है कि आपके ख्याल में इंटरनेट खासकर ये तो सोशल मीडिया क्या किताब की और उर्दू की या इन चीज़ों की अहमियत कम नहीं होगी? यानी मैंने कहा का मतलब लोग किताबें कम खरीदते हैं या कम पढ़ते हैं? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान का क्या ये बड़ेगी का हिंदो पाक का ये मसला रहा या आप इसे ये समझें कि अलामा इकबाल के दौर में भी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 500 ही शाया होती थी, आज भी ऐसा ही है। उस ज़माने में भी वादी के लिहाज से मुतालिया करने वाले लोग कम ही थे, आज भी आबादी के लिहाज से आप देखें तो उतने लोग मुतालिया करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास किताबें आती हैं, कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन शकीन है। उस ज़माने में भी ऐसे कोई एक आध बंदा ही होता था, तो आज भी अगर आप ये कॉलेज की लाइब्रेरी का रजिस्टर उठा कर देखें तो ये जो हम कहते हैं ना कि शायद उस ज़माने में नहीं, नेट तो अभी 20 साल पहले आया है, 1964-65 से जब से कॉलेज का आगाज़ हुआ है
रजिस्टर वहाँ मौजूद है, आप उठा के देख लें कि 1964-65 में यहाँ पढ़ने वाले कितने असातिज़ा थे या तालिबे इल्म कितने थे, फिर उसकी रेशो निकाल लें फिर आपको पता चल जाएगा। और ये कतार की अहमियत किसी ज़माने में ख़त्म नहीं होगी सर, ये हमें लगता है कि कम हो गई या नई नस्ल जो है वो थोड़ा सा उससे भागती है, उसे वो इंटरनेट से फेसबुक से कुछ ना कुछ मिल जाता है, और वो भी आधे से ज़्यादा मवाद वहाँ जो है हम ही लोगों का रखा होता है जिसका हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं होता। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये हुआ कि लोगों ने तहजीब करना शुरू किया इसके ऊपर, जितने फ्रास और क्या कहते हैं कि इकबाल के हवाले से मन घट इशार मौजूद हैं उनका ना गुस्सा है ना कोई फायदा, और अच्छे भले लोग पढ़े लिखे असातिज़ा और अपने ताई जो बड़े वो इतनी बिरादरी कहलाते हैं उनको नहीं पता कि वो मतलब ये इकबाल का शेर है भी या नहीं, तो वो किताब उठा के उसका असल माकसद तलाश करने की कोशिश नहीं करते। तो दूसरा ये है कि हमने नई जिंदगी के साथ नई रोशनी का साथ जिंदा रहना है, तो नेट मैं नहीं समझता कि अपनी जात में तो भी चीज़ है, इससे आप बड़ा वो मतलब ये है कि मालूम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो स्टेज हो, वो फिल्म की दुनिया हो या टीवी की स्क्रीन हो, हमने इस मीडिया से सीखा कुछ नहीं, हम सीखना नहीं चाहते।